Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सब? So, आज हम जाने वाले एक मीटिंग में जहाँ पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी मीटिंग में होता क्या है, आप हर बार मीटिंग 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 करते हो. तो आज की मैंने कैसी है कि मैं आप सबको दिखा सकूंगी कि मीटिंग कैसी है. और आज सुबह से मतलब कि हम लोग जल्दी उठ गए, फिर थोड़ा सा काम कर दिया, फिर फ्रेश हो गए एंड अभी मम्मा बना रही है खाना. तो चलो मम्मा के पास जाते हैं क्योंकि इस मीटिंग में मतलब कि मैं हर मीटिंग में मम्मा को लेके ही जाती हूँ क्योंकि होता है ना बैलेंस या फिर कोई होना चाहिए साथ में, तो एक सपोर्टर रहे और अच्छा भी लगे. तो इस मीटिंग में मैं ले जाने वाली हूँ अपने मम्मा को एंड मम्मा बना रही है यहाँ पे खाना. एंड आज की मीटिंग ऐसी जगह पे है जहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ. जगह बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छा है. सो गुची, सो मैंने सोचा है कि यहाँ पे अच्छा सा व्लॉग भी बन सकता है एंड मैं आप सबको दिखा भी सकूंगी कि होता क्या है मीटिंग में. मतलब कि मीटिंग नहीं दिखा पाऊंगी मगर यहाँ मैं आपको बता दूँ मीटिंग में क्या हुआ. एंड यस, अभी मैं होने जा रहे वाली हूँ रेडी. सो यहाँ पे हो जाएगा गेट रेडी विथ मी. ओके सो लेट्स गो. प्रॉब्लम क्या है पता है आप सबको? मैंने आउटफिट चॉइस ही नहीं की आज मैं क्या पहनने वाली हूँ क्योंकि पता नहीं क्या पहनूंगी. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है. जगह बहुत अच्छी है तो सोच रही हूँ वेस्टर्न पहनूँ मगर मन में मतलब कि विचार आ रहा है कि नहीं मैं वेस्टर्न पहनूँ, पता नहीं क्या पहनूँ. और यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी हो गए गुजरात लेवल से. सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है. कोई बात नहीं, देखते हैं क्या पहनते हैं. ये मीटिंग बहुत अच्छी होने वाली है, आई होप बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. मगर मैंने आउटफिट डिसाइड नहीं किया मैं क्या पहनूंगी. हम ये मेरा रूम है जो ये सब झील की करामत है, देख सकते हो. क्या पहनूं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है. जो भी पहनूंगी अच्छा पहनूंगी. देखते हैं, ढूंढना पड़ेगा बहुत ज़्यादा कपड़े बहुत ज़्यादा. चलो अब ढूंढती हूँ मैं, कुछ सोचती हूँ और पहन के गेट रेडी विथ मी करती हूँ आप सबके साथ. आप सबको दिखाती हूँ क्या पहनने वाली हूँ. एंड तक बने रहना, बहुत मजा आएगा. सो गाइस, हम अपनी मीटिंग वाली जगह पे पहुँच गए हैं. जगह का नाम है ताज अहमदाबाद में. और यहाँ पे मैं आप सबको मिलाऊंगी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनसे आप सबको पता चले कि कितने सारे लोग आए हैं गुजरात लेवल के. આપ સૌને ખાલી એ જ વિનંતી છે કે આપ અનેક નહીં પણ એક થઈને જો ભલે કમળ કાદવમાં થાય પણ આપણે છે ને બધા ત્યાંથી લઈ અને ભગવાન વિષ્ણુના હાથમાં દેવાનું છે. આ આપણે આજે કામ કરવાનું છે. બસ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર મને અહીંયા લાવવા માટે. બોલે કષ્ટ ભંજન દેવાની જય. એના હાથો કી લકીરો પર ભરોસા મત કરના યારો, એના હાથો કી લકીરો પર ભરોસા મત કરના યારો, ક્યુંકિ તકદીર તો ઉનકી ભી હોતી હૈ જિસકે હાથ ભી નહીં હોતે. બહુ સુંદર લગા. આ બેગની અંદર એક બેગ છે એન્ડ સેકન્ડ થર્ડ આ બેગ આપી બીજેપી મીટિંગમાંથી. सो गाइस, हमारी ऐसी थी कुछ इन्फ्लुएंसर मीटिंग जहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए थे मगर मैं बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग थे. मैं मतलब कि जिसको पहचानती थी उन लोगों से मैंने मिला, बात की, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. और इस मीटिंग में कुछ ऐसा था कि हम लोगों को बीजेपी वालों ने बुलाया था. फिर लास्ट में गिफ्ट हैम्पर्स भी दी थी, वो बहुत अच्छी बैग क्वालिटी की थी. मतलब कि वो वाली बैग थी, अमेरिका वाली कुछ बैग आती ना, वो वाली बैग थी, बहुत अच्छी थी क्वालिटी में. और उस इन्फ्लुएंसर मीटिंग में ऐसा था कि उन लोगों को जानना था हमारे से कि हम लोग क्या सोचते हैं देश के आगे बढ़ने के लिए. सो हम लोगों ने अपना मत दिया
और कहा कि हम लोगों को ये चाहिए ये चाहिए, ये होगा तो अच्छा होगा, ये होगा तो अच्छा होगा। तो हम लोगों ने ये अपने पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बहुत लोगों ने पॉइंट रखे थे और उन लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। फिर नंबर भी दिया था उनका कि कुछ भी काम हो, कुछ भी हेल्प चाहिए तो आधी रात को भी आप लोग कॉल कर सकते हो। तो ऐसे थी कुछ बीजेपी की इन्फ्लुएंसर मीटिंग जो होटल ताज में हुई थी अहमदाबाद में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था। एंड यस, ये व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर देना। एंड ये स्पेशल मैंने आप सबके लिए शूट किया था कि आप लोगों को भी पता चले कि इन्फ्लुएंसर मीटिंग में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड अच्छा होता है, वो तो सबको पता ही होता है। सेकेंड, गिफ्ट सैंपल देते हैं। थर्ड, जो पॉइंट्स चाहिए वो लोगों को वो लोग रखते हैं। फिर हमसे मांगते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस पे हमें वर्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब जानते हैं। और इस मीटिंग में मैं और मम्मा गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।